वहीं रुक करते महाराष्ट्र की ओर, जहां पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि हिमालय के मदद के लिए महाराष्ट्र से सह्याद्री खड़ा हुआ है। जब जब हिमालय पर खतरा आता है तो महाराष्ट्र का सह्याद्री उससे बचाता है। यशवंत राव चौहान से लेकर ये इतिहास है, केंद्र की बीजेपी सरकार संविधान व्यवस्था को तोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने साईं बाबा के शिरडी में दो दिन का नवसंकल्प वर्कशॉप पर शुरू किया है। बीजेपी में हुकुम शाह है, इसलिए वहां उनके नेता कार्यकर्ताओं का दम घुट रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार में सही मायने में लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। और हमेशा महाराष्ट्र का जो सह्याद्री है वो सह्याद्री हिमालय की मदद के लिए हर बार गया है। उसमें यशवंतराव चव्हाण जी से लेके कई बड़ा इतिहास है उसके पीछे, इसलिए जब हिमालय खतरे में आता है तब सह्याद्री उसके मदद में जाता है। आज देश की हमारी जो सार्वभौमता है, हमारा देश का संविधान है, हमारा देश है, वो बचाने का समय केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार इसके माध्यम से संविधान का रोज संविधान व्यवस्था तोड़ी जा रही है, देश को रोज बेचा जा रहा है, रोज देश की सार्वजनिक उपक्रम जो जनता की प्रॉपर्टी है उसको बेचने का काम केंद्र की सरकार रोज कर रही है। और ऐसे समय में देश खतरे में आ चुका है और इसलिए कांग्रेस ने आज शिरडी में ये हमारे सह्याद्री का हिमालय की पर्वत एरिया में एरिया आता है, यहाँ साईं बाबा का स्थान है, दुनिया भर से करोड़ों लोग यहाँ पे आते हैं और हमारा शीश साईं बाबा के चरण में झुकाकर इस पवित्र भूमि पर झुकाकर हम देश को जो आज बर्बाद कर रही है केंद्र की भाजपा की सरकार, वो देश बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर वोट लेने आए हैं। और ये महाराष्ट्र का संगठन, कांग्रेस का संगठन भारत जोड़ो का नारा लेके जो हमारी नेता सोनिया जी गांधी ने इस देश के हमारे करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता को दिया, चार दिन पहले ही मैंने वार्ड फॉर्मेशन के बारे में भी बोला था। कांग्रेस अपना अस्तित्व छोड़कर किसी को मदद करने का कोई संबंध नहीं बनता। जहाँ पर अगर वार्ड फॉर्मेशन भी अन्याय होता हो तो समय में कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा तो भी कांग्रेस खटखटेगा ही, और जनता को जस्टिस मिले ये हमारा उसमें समीकरण है। कोई राजकीय फायदे के लिए अगर कोई गलत फॉर्मेशन करता हो तो हम उसको विरोध करें। देखो, कांग्रेस में डेमोक्रेसी सिस्टम है, हमारी विरोधी दल जो है बीजेपी उसमें डेमोक्रेसी नहीं, वहाँ हिटलर शाही है और इसलिए वहाँ का बात सामने नहीं आती, लेकिन उसमें भी बहुत दलदल है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक दो नेताओं ने किया है, उनके साथ बैठकर उनकी बात उनको समझा दिया जाएगा और ऐसा कोई विरोध नहीं है और कांग्रेस एकजुट है।